जो लोग हैं उनको गुलाम की ये शान है, उनकी आत्मा की शान क्या होगी। हमारे पीर मुर्शिद के पीर ने ये वाकया सरकार पीर मुर्शिद ने बांधा ही भी बयान किया कि बेटा मैं इधर अपनी जमानत में अफसरों की धारा और तफ्तीश हुई, उनमें किसी की नौकरी चली जाना था तो उससे पहले सरकार आ गई, हम मियाँ को लेके आए और कहा जाओ इतना इतना पैसा ढूंढ के लाओ और उस कमी को पूरा करो, उन्हें नौकरी चली जाएगी। कहा सरकार कहाँ से लाऊं, रात का समय कोई देगा भी नहीं, मोटी रकम में कहाँ जाऊं, बस हुजूर मेरी जान माल तो आपके इस महफूज से गुर्द ही है, इज्जत आप नौकरी भी आपकी जरूरत है। अच्छा जाओ जाओ आए, उन्होंने गिना तो कम रकम को ज्यादा गिन है, पहले वो गिनने वाली मशीन नहीं थी, ये फरमाते थे पूरी रकम लगती वगैरह जब गिना तो फिर गिने गिने तो गलती खबर देने वालों की शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो चाहने वाला इज्जत भी बची नौकरी भी बच गई और प्रमोशन भी हो गया। तो सरकार की बड़ी अजीब शान है, तरहुआ कब्रस्तान में 36 बरस तक बुखारी मुस्लिम मसरवी मौलाना रूम सब कुछ मियाँ को पढ़ाया है। तो मैंने मियाँ से पूछा था कि क्या हुजूर, अच्छा जब आप पल के आते थे तो उसको बहर जुबानी याद करते हो, अरे पगले कहेंगे वो पढ़ाना भी कैसा पढ़ाना, पढ़ाया गया मेरे दिल में छाप दिया, हर सबक दिल में छाप देते थे तुमने पढ़ाया याद हो, यही वजह है इतना हाजिर दिमाग हमारे पीर का मामला है। शादीपुर की जलते में मौलाना सैयद गाजी मिल्लत हाकिम मियां साहब मदजिल्लाउल आलिम मदरू थे, थोड़ी देर सरकार ने तकलीफ फरमाई कि उनकी तकलीफ हुई, सुबह मियां का दामन पकड़ लिया, कहा जो कुछ हमारे बुजुर्गों से मिला है कुव्वत हाफिज़ा की सूरत में मुझे अता कर, मुझे कुव्वत हाफिज़ा चाहिए। तीन तीन बार ही फरमाया तो भाई सरकार पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने सीने से लगा कहा जाओ आदमी तुझे कुव्वत हाफिज़ा दिया, तुझे कुव्वत हाफिज़ा दिया मैंने, यही हाल वलीउल्लाह खान को भी चमकाने के। मगर ये है कि हमारे पीर मुर्शिद के दस्ते करम में जश्न नहीं था, ये हमारे इलाके की जुबान है, जैसे कहते हैं जिस पर एहसान किया जाए वो मानेगा वो न मानेगा, सहाबा अमामा वालों की तारीफ करेगा, दिया किया इन्होंने तारीफ हो रही किसी और की। जैसे इस साल हमारे गांव में पोस्टर छपा, उस पोस्टर में सबके नाम है, हमारे पीर का नाम नहीं, एक्शन लिया हमने, काजी अकबर ने एक्शन लिया, मेरा भी नाम था दर्जे में नहीं गए, वो भी नहीं गए, ऐसी हरकत क्यों की। फिर मैंने जुमा के बयान में उनके 12 बजा दिया, मैं कहा तुम है कोई जानने वाला ये बताओ, मदनपुर शादीपुर गौसीपुर लोकल ललौली इस इलाके में मेरा मालूम हुआ था जलाला आने वाला कोई नहीं था, सबसे पहले कौन हस्ती आई और इल्म का चिराग रोशन किया, सुभान अल्लाह आदमी बनाए, आदमी बनाए, सुभान अल्लाह मदरसा बनाया, वो किस शख्स ने किया, तो अब चुप। मैंने कहा कौन सीने में हाथ रख के ये काम हुजूर तुझे हाथ ने किया कि किसी और ने किया, पूरे मजमे ने कहा नहीं 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 हुजूर तुझे हाथ ने किया। इसलिए मानिकपुर वाले फिर तो आबाई पीए बहुत दिनों से आते थे मगर उनकी ऐसी खिदमत नहीं, सरकार मुजाहिद मिल 1966 में पहली मरतबा गए करते थे और हमारे मियाँ 1935 से आ गए, 1935 से आ गए
मुकम्मल 55 साल तक आपका आदि बुलाते रहे। तो अपने जुलूद बरकात से सिर्फ शादीपुर को नहीं पूरे इलाकों माला माला माल क्या बचे यहाँ वहाँ कहाँ नहीं मुझे धन दिया जी कलकत्ता से बंगाल से बिहार से क्या इतने लोग आते हैं जितने लोग शादीपुर से आते नहीं आते। अगर तादाद मिलाओ तो शादीपुर का मजबूत ज्यादा मिलेगा बगैर मोहब्बत के आते अकीदत है वो सच्चाई को जान चुके वो अच्छाई को जान चुके उन्हें मालूम है कि हमारे दिन में क्या जरूर है हर घर में मेरे पीर का एहसान है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस पीर जिस घर में मेरे एहसान का एहसान न हो। ऐसी है कि मेरे बस्ती में एक मुर्तबा हैजा कालरा की बीमारी भूल गई 35-38 आदमी जवान मर गए लाखों को ढेर लग गया भला कोई बचा लेगा आता कोई हमारी सरकार कर्मी होकर बांधा हो खाली तो जब सरकार मौके दो लाखें रखी सफल करने को कर्मों में लोग गिर पड़े कि हुजूर हर दिन कोई सुबह को मरता है कोई शाम को मरता है कितने लोग मर गए कहा जाओ आज से कोई न मरेगा क्या फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई न मरेगा बोलो सुभान अल्लाह साहब को बुला कर कहा जाओ पच्छू में आदान देकर आओ तुम पूर्व में देके आओ तुम दक्षिण उत्तर में देके आओ और आप देने के बाद कह देना कि मौलाना जगह निशान अली ने कहा है जिधर से आइए उधर ही गहरा था चली जा बोला मैं तुझे गहराना भी जाता हूँ उस दिन जो बला का खात्मा हो गया लोगों की जाने बन गए जो बीमार थे वो भी अच्छे हो गए सुभान अल्लाह। तो जब ये शान गुलाम की है तो खुद भी आलम की शान क्या हो बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी शान की मालिक है। तो मेरे दोस्तों सरकार दादा मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये अली हुसैन मियां अली हुसैन मियां ललौली वाले मरते वक्त तक मजबूर रहे होश नहीं आता था कोई वजीफा पढ़ने की वजह से मजबूर हो गए नहीं कभी वे पूरे खाने पे दादा मियाँ बैठे और ये गए उधर और दादा मियाँ को करीब से जाके ले लिया तो दादा मियाँ ने एक निगाह ऐसे डाली और तो पागल हुआ जिसकी एक नजर में ये बात हो मैं डॉक्टर खलील अहमद एहसानी थे शेख जमील अहमद एहसानी दो अब्दुल कजीब बब्बा एहसानी तीन अब्दुल कुद्दूस अब्दुल कबीर पांच नजीर अली छह ये छह बड़े बूढ़ों की शहादत का वाकया पेश करने जा रहा हूं। अवस्थी जी राजस्थान के अच्छा ये भी सुन लो हमारे दादा मियाँ के सिर्फ तीन ही मुरीद थे दादा मियाँ ने सब मुरीद मियाँ से करवाए हमारे मौलवी से बैठे जाओ हमारे मौलवी से बैठे हमारे मौलवी से बैठे खुद बैठ नहीं करते थे सिर्फ तीन आदमियों को किया मौलाना अब्दुल सलाम देहली अवस्थी जी और सरकार को भी यही नाम की बाई दादा ने तीन ही मुरीद रहे चौथा कोई मुरीद नहीं ये बात पीर ने कही है तो मैं भी फख्र से बोलता हूँ तो अवस्थी जी ये राजस्थान के हैं हुजूर गरीब नवाज के दरबार में छह महीने तक मुतकिफ रहे मुझे सच्चा गुरु मिले ऐसा गुरु मिले जो आने वाहिद में हकीकी मालिक से मिला दे ऐसा गुरु चाहिए कि जो दो मिनट में मिला छह महीने के बाद गरीब नवाज की नजरे इंतखाब में ना उत्तराखंड आया और न फला न फला पूरा हिंदुस्तान जो मालिक है वो सबको देखा होगा चारों तरफ देखा होगा क्या पसंद आया
वादा दिया कर भी उस ब्यालम हजार रहमतों को रिजवान को दिखाया, उन्हें दिखाया कि ये है तुम्हारे गुरु। वादा चले जाओ शहर के कूड़ा खाने में, वो लेटे होंगे, जाओ वही तुम्हारे गुरु आए, वो तुम्हें अल्लाह से मिला देंगे। कितनी मुसाइब मुसीबतों परेशानियों की बात अवस्थी किया है। सुबह 8 बजे 9 बजे जब था, मैंने दोपहर से सुना कि 8-9 बजे जब था जब वो आते और सरकार लेते हुए थे, लगोट खाली बदन में था, पूरा बदन बहला लेते हुए अवस्थी क्या है, वो बाउंड्री के बाद हाथ खड़े थे, थोड़ी थोड़ी बाउंड्री थी, वहाँ खड़े हो गए, आवाज देना व्यक्ति समझा, बहुत गौर से काफी देर देखते हैं, यहाँ तक दादा भी उठ के बैठ गए, तो भाग के आना था, नहीं रुकिए जाइए आपका काम हो गया, यार मिलने भी नहीं दिया, तो क्या खुदा से मिला दिया? हाँ हाँ खुदा से मिला दिया, दूर खड़े रहे पास आने दिया नहीं और खुदा तक पहुंचा दिया उन्होंने। ये बात बयान किसने की? हमारे मियां से अवस्थी जी ने खुद कहा कि ये बात कहने के बाद मैं आप में मिला रहा, होशो आवाज जाते रहे और ऐसा नूर देखा, ऐसा जलवा देखा कि जिंदगी में कभी नहीं देखा। यानी हाथ से हक ने हक से मिला दिया, सुभान अल्लाह, जो उनकी चाहत थी उसे पूरा करवा दिया। मेरे दोस्तों 1980 में अभी इस रिवायत के रावी दिरायत के साथ हजरत बुकन मियां साहब हैं, मुगली बाबू जी भी गवाह थे, मैं था और भी कई लोग थे कि 1980 में एक काफिला औरत का जनाजा है, तो वो ला के सीधा दरगाह में ला के रखा कि बाबा वो यहीं की पुजारन थी, इन्हीं को मानती थी और कहीं जाती तो थी नहीं, यहीं आती थी और ये मर गई तो हम लेके क्या करें, अब आप ही लोग जैसा चाहो करो। तो पुत्र ने फरमाया रात का वक्त था, युवक इसको यार समझने बूझने तो क्या किया जाए, सुबह फैल रहा होगा, तो बाउंड्री थी बाहर से तार लगा के लोग, तो पुत्र ने फरमाते थे जब सुबह को हम लोग आए तो वो जिंदा बैठ रहा था, सुभान अल्लाह, हम सुलोक सुबह को आए थे तो वो जिंदा मिली, फूली हुई लाश जिसको मरे हुए जी पर हो गया था। 1980 की बात है, आप सलमिया थे तो इंतजार फरमा गए, और भी इससे शहीद शाहिद कई एक लोग हैं बैल गए जो पर्दा फरमाने के बाद मरी लाश को जिंदगी अदा कर सकता है, बोलो उसकी मदद से कितना फैज हासिल होगा, कितना फैज हासिल होगा, अरे फैज का दर्जा बना जिनके जमीन में आप आराम फरमाए पर सदी उनके घर में, प्रधानी उनके घर में, और भी कई पदा हैं उनके घर में, नौ जिले में उनसे ज्यादा इज्जत माफ कोई आदमी नहीं, पैसे से तो इतना खर्च हुए मत पूछिए, तो क्या है निगाह वही में ये तासीर देगी, अरे बदलती हजारों की तकलीर देगी। मेरी सरकार दादा दीन अब्दुल्लाह ताला ने दास्तान, हाय 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 हाय, इसे सुनाऊं मैं मेरे सरकार दादा जी आपकी शान
हमारे पीर रहमतुल्लाह अलैह को करबी शरीफ में एक दिन खबर मिली, एक ब्राह्मण दादे ने खबर दी कि बाबा वो आपके दादा जान जो है किसी ने काट डाला है और पला खेत में टुकड़े टुकड़े किए पड़े, हाथ यहाँ वहाँ पैर है वहाँ सर है कटे पड़े हैं, कोई किसी बदमाश ने मार दिया उसको। तो मैंने कहा कि बेटा घर जाओ, ये उनके हालात तुम्हारे तरफ से बात। अरे कहा दादा मैं आपसे देख के आ रहा हूँ, वो कई पीस पड़े हुए कटे हुए। जब हमारे मियाँ गए तो सब जुड़ चुके थे, सही सलामत मौजूद बैठे थे। चाय तरफ फरमाई तो चाय पेश किया तो मैंने कान ने कहा देखा तुमने, तुमने कहते थे मार दिया। अरे कहा गंगा की कसम मैंने ऐसा ही देखा है जैसे बता रहा हूँ। तो ये औलिया अल्लाह का मर्तबा है, औलिया अल्लाह की शान है, जब जहाँ जैसे वो चाहे अपने हुलिया को चेंज कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया को जिसमें मिसाली अदा करता है, जिसमें मिसाली अदा करता है, एक जगह से दूसरे मुकाम पर जाना है। अभी यहाँ इस लिबास में आप दूसरे लिबास में पहुंच गए, इसी जगह तीसरे लिबास में पहुंच गए, आप पहचान ही नहीं। अल्लाह ने जो उनको मर्तबा किया है, सोचिए वो रमजान का मुकद्दस महीना, मियाँ की हमारी नौजवानी, इरफान मियाँ की पैदाइश हो चुकी थी, मल्लान मियाँ आलम वजूद में नहीं आए थे, रमजान का महीना हुआ। मियाँ ने ध्यान फरमाया कि मैं घर में था, अचानक शाम को 4 बजे फरमाया बांधा चलिए। अब उसमें हिम्मत जी थोड़े है, आज के मुरीद पूछेंगे हुजूर किस लिए क्या काम है, ये फरमाते थे मुझमें क्या हिम्मत कि मैं पूछूं, तो तैयार हो गए साथ में गए। तो बेटा कुछ दूर तो गाड़ी में बाकी पैदल बादल पहुंच गए, और जब बादल पहुंचे तो मगरिब की अजान होने में अभी 40-45 मिनट बाकी। हुजूर इफ्तारी हाँ हाँ करवी करवी यानी इफ्तारी करवी करेंगे, गजाला 35-40 मिनट दी बाकी है और सरकार फरमाते हैं करवी करेंगे, बस वो काम हुआ अब वापस चल दिए। मैं फरमाते थे नया जूता पहना था वो पैर में काट भी दिया था मेरे, मुझसे चल नहीं जाता था। तो सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह ज्यादा रहे खूब जानती कि मैं रोजा से हूँ, आप ही ने लगवाया मैं रोजा से हूँ, अब आपको हमेशा रोजेदार रहते कभी तो खाते पीते नहीं। तो मैंने कहा हुजूर अच्छा चाचा उंगली पकड़िए, उंगली आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए उंगली पकड़िए। तो कहा मैं हुजूर का पैजामा शरीफ पकड़ लिया, अब बस थोड़ी दूर ले गए आँख खोलिए, जो आँख खोला तो करवी शुजूर खाना आपके घर के सामने न धक्का लगा न पैर छिले न दौड़े न कोई आवाज, बिल्कुल 10-25 कदम चला के छोड़ दो आँख खोल दो, आँख खोला तो घर के सामने क्या पावर है, कैसा पावर है, ऐसा ऐसा पावर विजो का। अरे यार मरीजों को सब अच्छा कर लेते हैं, कोई दुआ से कोई ताबीज से कोई पानी से, मगर सड़ी गली लाश को जिंदा करके दिखाओ। हम जाने तुम जितने बड़े बुद्ध हो, सड़ी गली लाश को जिंदा करके बताओ। आप जाइए उत्तर मियाँ के घर में, उनके कबीले खानदान में, शहर में, कहीं भी किसी गली में जाके पूछो कि गुजरी वाले बाबा कहाँ गए, हम जी नहीं जानते कहाँ गए हैं, मगर ये जानते फलाने फलाने मुर्दे को जिंदा किया है। शहर के लोग गवाह देंगे आपको,
कि फलाने फलाने घर में वो जंगल आपको हुक्का चाय ले जाता था, वो मर गया, 24 घंटे तक आपको चाय हुक्का नहीं पहुंचा, जंगल से शहर आ गए। शंकर कहाँ है? शंकर आए, शंकर वो तो मर गया, कल ही मर गया था, लाश भूल गई है। बाटों के कट्टे में बांध के गंगा लेके जा रहे, नहीं नहीं मरा नहीं सोता, मरा नहीं सोता, अरे मरा नहीं सोता, अरे उसको कम से कम 16-17-18 घंटे हो गए मरे हुए, आप फरमाते सोता, तशरीफ ले गए। और तशरीफ ले जाने के बाद यहाँ बांस के उसमें बाटी रखी थी, आम लाइए, नवंबर दिसंबर के महीने आम कहाँ मिलते, आम लाइए, इस मौसम में आम कहाँ, आम मांगता है, वो एक आम बेचने वाला आ गया, उससे एक आम लिया, बुला के उसको मुंह डाला, इधर से बह रहा, उतर गया, इतना अच्छा बता देते, इधर से बह रहा, करते करते पूरा आम निचोड़ डाला, वो नहीं था, मर तो गया, अरे आंखें सुर्ख हुई, डंडा फेंका, गर्दन में हाथ डाला, उठिए, तुम बेच लेना, और करके बैठा दिया, आंख खोल के जिंदा हो गया। आग खोल के जिंदा हो गया, पूरा आजीवन कमा ले। सरकार ने ऐसी सड़ी गली लाशों को जिंदा किया, इससे अंदाजा लगा ले कि सरकार द्वितीय हिंदुस्तान में किसी मदरसे में डरे क्या, किसी खानकाह में डरे क्या, किसी से देख खाई क्या, पूरे हिंदुस्तान की हर जगह जाके दूर टूटी हिंद रहमतुल्लाह कार्यालय में मुनाजिरे में सबसे आगे उलमा के बाद वो 2 मिनट में चित, मुफ्ती से बाद वो 2 मिनट में चित, जुनवेद फकीर के बाद वो 2 मिनट में जरिंदा। तो आखिर जब ये इतनी ताकत के मालिक है तो ये ताकत इनको दी किसने, ये ताकत इनको दी किसने, वो क्लियर कहते थे सज्जना सरकार अच्छा का चेता हूं, ये मत समझना कि मैं अकेला और मेरे पास जो कुछ है बेटा सब मेरे पीर ने दिया, सब मेरे पीर ने दिया है। मालूम ये हुआ पीर के देने से ही मुरीद को मेरा दर्द होती है, वही मकाम में विलायत को पहुंचता है, एक निगाह डाल देते हैं, जाने क्या से क्या बना देते हैं। दूसरी प्रिये अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पीरानी अम्मा ने जहाँ मजार में चारों चढ़ाते हो ना लोकाली को, ईरानी अम्मा को पहुंचा देते सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, और इनको फातिमा कहते थे, फातिमा अरबी जुबान में शाय कहते थे, चाय को शाय बोलते थे, जैसे अंग्रेजी में टी स्टार चाय की दुकान, तो अशाय के माने चाय अरबी जुबान में, तो आप तो अरबी बोलते थे, तो हमारी पीरानी में भी अरबी जानने लग गई थी, अरबी बोलते, तो आए किसी बुलाए फातिमा चाय 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 हुजूर फौरन आबादी को जला दिया, 2 मिनट लगी चाय बनी, लेके पेश किया तो जेब में अल्लाह जाने लड्डू कहाँ से आ गए, हजरत की जेब से लड्डू निकले, 2 लड्डू निकले, तो महमूद सभी जिनके मदार में चादर डाल दिया, उन्होंने मुझसे ये वाकया यही भी बयान किया कि बेटा एक लड्डू मुझे दिया और एक लड्डू की रानी अम्मा को खिलाया, ये करम नवाजी का हाल था। तो सरकार दादा मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह
चले तो करामत, बैठे तो करामत। अब्दुल मजीद खान मोहल्ला शुक्रखाना मरहूम, उनकी बड़ी लड़की की शादी थी जिसमें मियाँ के पूरे घर की दावत थी, पूरे घर की दावत थी। मियाँ फरमाते थे कि हम लोग गए, सब दावत खा के आ गए, और मुझे ये मालूम नहीं है कि दादा मियाँ से कब ये मुलाकात कर गया। इस तरह वहाँ गया होगा, सरकार बाहर बैठे होंगे, मिल गया तो हुजूर दावत है, बच्ची की शादी है, पैर पकड़ लिया। आप फरमाए नहीं 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 खाता, हम नहीं खाता, नहीं हुजूर खाना पड़ेगा। अच्छा हाथी जीवा होगा, हाथी जीवा होगा, ये कह दिया। मियाँ वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ये मियाँ संभाल लेते हैं। सैकड़ों ऐसे हालात को मियाँ ने संभाला है, लोगों की जाने बचाई, ये बकरी निकाली, कोई नजर के सामने आलम जलाल में आ जाए, कोई जरा तो आवाज करते खात्मा हो जाते हैं। ये शांति, लोग डरते भी थे, मिलने की आरजू रखते भी थे। तो मियाँ बर्बादी थे कि वो जब बारात आई, खाना खा चुकी, गर्मी का सीजन था, अब्दुल मजीद खान लगिया है वहाँ नहाने के लिए गए, वहीं डूब के मर गए। मुझे बाद में पता चला कैसा हुआ क्यों, तो साहब ने बताया कि दादा मियाँ के पास गए थे, इन्होंने पैर पकड़ा, आपको घर में खाना खाना होगा, खाना खाना हो, नहीं नहीं हम नहीं खाता, हम नहीं खाता, नहीं हुजूर खाना होगा। अच्छा तो जाओ हाथी जीवा होगा, हाथी जीवा होगा। तो मियाँ फरमाते थे कि अगर मुझे पहले से मालूम हो जाता तो मैं उनकी जान को बचा ली। सरकार से मैं कुछ ऐसे अंदाज से मामला करता कि माफ कर देते। ऐसी शान का मालिक जिसकी जुबान की हरकत का मरकुल मौत इंतजार करता, कब हिले कब हुकूमत कर ले, जिसकी जुबान की तासीर ये फरमाते थे बेटा खुल रही हुए कर्मी में एक आदमी यहाँ से बदन छो जाए, पूरा सब यह बड़ी मजबूत पीर निकलती थी, कोई पास में बैठ के इंतजार नहीं होता था। सरकार मियाँ गया तो आप अंदर लेटे थे, सब उनके लौट जरा मुझसे कहा, मैं खुद गया, देखा हुजूर अभी आया था यहाँ तक सड़ गया है, बड़ी मजबूत है हुजूर, बच्चे छोटे छोटे निकाह हो जाए। अच्छा धूल 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 धूल, तो मैं वहीं जहाँ पैर शरीफ रखते थे वहीं की धूल लेती लिया और लेके भागा, और जाके दिया इसको मर लो, जो इसको मरा दिया तो 3 दिन में सब अच्छा हो गया। अल्लाह फरमाते ना हो कि बीमार को आराम सारे जमाने थे, उठा ले जाए थोड़ी देर, सही है बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनका तज़किरा तौरात में है ये वही लोग हैं, जिनका जिक्र इंजील में है ये वही लोग हैं, जिनका तज़किरा अगली किताबों में है, सरकार की हदीस है। मेरी उम्मत में ऐसे गौसो अबियाद उसको अवदाल औलिया अवदाल शोरबा नौजवा पैदा होंगे कि जिनकी शान अजमत को मैं देखकर कयामत के दिन रश्क करूंगा, सुभान अल्लाह, रश्क करूंगा, और मेरी उम्मत का सारा बोझ ये सब के सब उठा लेंगे, सुभान अल्लाह, ये सब के सब उठा लेंगे। हजरत मोहम्मद काकी हमारे दादा पीर के सिलसिला के बुजुर्ग हैं, बगदाद में लिखा है हजरत मोहम्मद काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह के बारे में एक वली ने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा और किया, हुजूर ये मोहम्मद काकीस कौन है? अरे कहा तौबा करो, अदब से नाम लो, ये मेरा वो आशिक़े ज़ार मेरा दीवाना है, क़यामत के दिन मैं इन पर फ़ख्र करूँगा।
ये मेरी उम्मत के हजारों गुनहगारों को जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो दादा पीर रहमतुल्लाह अली भाई क्या करते हैं, ऑल इन ऑल अंग्रेजी ऑल इन ऑल, यानी पूरी दुनिया में एक चीज ऑल इन ऑल। तो जब तुम्हारा पीर ऑल इन ऑल है तो पीर का पीर क्या जाओगे बताओ। करीम भाई से पूछो ये बात के पीर ऑल इन ऑल है तो पीर का पीर क्या जाओगे। भाई शहादत की बात है कि तीसरे दिन हमारे ज्यादा पीर कहो यहाँ शुरू हो गया है। मियाँ हमारे बेहद खुश है, खुशी के लिए जो उनके पीर का अवसर है, उनके पीर का अवसर है। वो नवंबर का मामला तुम्हें याद है, 5 नवंबर 1949 वो कमला हुआ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। मियाँ का ये वाक्य बताया उनकी सरकार, आपने बताया है। अब आप भी जान रहे कि मैं अल्लाह जाने उमरा जा रहे थे कि हज करने जा रहे थे, बड़ा हुक्म लिखा कि आशीर्वाद नहीं आओगे हम खुद घर आएगा। तो मीर फरमाया कि मेरी सुबह को रवानी की शाम को आ गए, मैं 10 दोस्ती 15 दोस्ती आप जाइए हम जगह में आपको मिलेगा। तो ये फरमाते थे कि मैं चला गया और बेटा मैं जहाज से उतरा हूँ तो मेरे इंतजार में खड़े, बताओ ये किस जहाज से कौन सी ट्रेन से गए किस गाड़ी से गए। ये खुदा के दोस्त वो है, हवा पर इनकी हुकूमत, पानी पर इनकी हुकूमत, जमीन पर इनकी हुकूमत, आसमान पर इनकी हुकूमत। अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह अपने महबूबीन को पूरे जहान की कुंजिया का फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये मर्तबे के दोस्त की मैं कहता हूं तो लाइक करा। एक बार फरमाया मलासी के हज में ऐसा कर रहा था बेटा, ये लंगोट में रहती बात है और लिबास तो बेहतरीन थे, पूरा बदन नंगा लंगोट, बस मैं मनासे के हज अदा कर रहा था, रात को बुखार आ गया था, कमजोरी महसूस हो रही थी, देखा तो मनासे के हजाम हुए अदा की लाए, पहले से शेरवानी कुर्ता पैजामा पहन खड़े, तो मैं पहचान नहीं सका, देखा तो अरे मेरे सरकार साथ में लेके पूरा मनासे के हज अदा करा, पूरे मनासे के हज को अदा कराया। और अरे बता तुम हज कर ले जाओ, अगर तुम्हारा पीर तुम्हारे साथ में हो जाए आपके कबूल होने में शक करोगे, बेशक सुभान अगर शक करोगे तो मुनाफिक हो मोमिन नहीं। जिस रेटी में पीर शामिल हो जाए, मलाशी के हज में पीर शामिल थे, अब अगर इस हज के कबूल होने में तुम्हें शक है तो हमें तुम्हें गुलामी पर शक है, तुम्हारी मुरीदी पर शक है। जो अपने मुरीद को हज कराएगा वो कितना लाजवाब हज होगा। सुभान अल्लाह। मैंने एक बात बताई थी मौलाना इकबाल के भाई की, मिसाल मानूं हम उठे टेक है पढ़े लिखे नहीं है, यही पर मैंने हाजिरी दिलाई, हालांकि ये काम मुझे भाई के साथ वो करना चाहिए लेकिन वो हर काम में पीछे हट जाते हैं, खैर मैंने हाजिरी दिलाई और मैं काम दिया इनकी दरवाजे आप कहते रहो, दोनों जाहिर है बीवी भी जाहिर है माँ और शोहर भी जाहिर, नहीं नहीं हम हिंदी आती न उर्दू आती, और जहाँ के विचार है और अरकान हज की अदायगी में मनासे के हज में गलती हुई तो क्या होगा। खैर मियाँ ने मक्के में इनके सारे अरकान को अदा कराया और मदीने में खाली 40 नमाज़ें पढ़ना है जमात से, तो निसार अली ने उससे बयान किया, अभी आज पूछ लेना
कि मैं मदीने शरीफ में सो रहा था, जमात खड़ी होने की 10 मिनट बाकी है और मैं सो रहा हूँ, गफलत मियाँ मनहरपुर से आ गए और कहा विशाल उठो जमात के टाइम करीब आ गए। बोलो मनहरपुर से जहाँ पहुँचना 10 मिनट जमात की बाकी है और आवाज दे दी जगाना विशाल उठो जमात के टाइम करीब आ गए। तो फौरन उठा, देखा तो मियाँ मौजूद नहीं, मियाँ दिखाई पड़े आवाज मिली मगर आँख खुलने के बाद मियाँ गायब हो गए। मैं फौरन उठ के वजू किया, फौरन जमात में शामिल हो गया और जमात पैदा न हुई, जमात मिल गई। सुभान अल्लाह, ना मकतब ना मदरसा और न दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जमात की सलामती पीर की मोहब्बत है, दीन की सलामती पीर की मोहब्बत है। उलमा बयान करते हैं कि हुजूर रिसालत फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल तक मक्के में और 10 बरस तक मदीने में अपने सहाबा को इनका जाहिर पाक किया, इनका बातिन पाक किया और हर सहाबी को ऐसा बना दिया कि हुजूर फरमा दिया सहाबी कर नजूम, मेरे तमाम सहाबा आसमान के सितारों की तरह, जिस सितारे की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये सहाबा हुजूर की पैरवी से आका ने इनके रूप में बलंद किए। कहना यह कि सरकार अपनी उम्मत के जाहिरी पाकी उलमा के हवाले की और बाकी की पाकी अपनी उम्मत के औलिया के हवाले की, और ये फरमाया कि मेरे गुलामों परेशान ना होना, अहले बैत से कुरान सीखना, अहले बैत से कुरान सीखोगे तो 40-40 से 4-4 माना एक एक आयत में यही बताएंगे, यही समझाएंगे। कुरान अहले बैत से सीखना और इल्म ज़ाहिर इल्म शरीयत मेरे उम्मत के आलिमों से सीखना और इल्म बातिन मेरी उम्मत के औलिया से सीखना। तो मेरे दोस्तों वजू बनाना करवाना, गुस्ल के मसाइल बताना, नमाज की नियत करा देना, मुसल्ले में खड़ा करा देना, शराइत और फराइत दोनों को बता देना, नमाज में खड़ा करा देना, ये हमारा काम है और पढ़ी नमाज को कबूल करा देना ये इनका। शरीयत बताते हैं और यह कहकर सिखाते हैं, इसलिए हमें दोनों की जरूरत है, उलमा की भी जरूरत है, औलिया की भी जरूरत है। आप उलमा की भी सोहबत में बैठो, औलिया की भी सोहबत में बैठो। अल्लाह तआला ने बताया हमें तुम्हें सबको औलिया की सच्ची गुलामी नसीब फरमाया। पीर से मोहब्बत करो, पीर की मोहब्बत तुम्हें दादा पीर से मिला देगी, पीर की मोहब्बत तुम्हें गौस उफादर से मिला देगी, पीर की मोहब्बत तुम्हें करबला वाली से मिला देगी, पीर की मोहब्बत तुम्हें नबी से मिला देगी, अरे पीर की मोहब्बत खुदा से मिला देगी। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। टाइम क्या हुआ? 10:45 कब खड़ा हुआ था भाई? 1 घंटा हो गया। पढ़ना तो वहाँ से पढ़ी आप अरे यार 11 बजे पढ़ी। आराम से जीतना मोहम्मद जी मोबाइल तकरीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के रसूलुल्लाह। पन्ना में एक वली है शाह वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। पन्ना कहाँ है? एमपी में, शहर है एमपी है पन्ना, जहाँ हीरा निकलता है। तो एक वली अल्लाह भीती में जिला बातें में महाजूबर, उनका भी नाम शाह वलीउल्लाह है, ये दोनों का नाम वलीउल्लाह है। जो पन्ना में हीरा निकलता है
राजा पन्ना ने दुआ मांगी थी कि रकबे में राजा मैयर मुझसे ज्यादा है, रकबा उनका ज्यादा है, मेरा रकबा कम है, तो मेरे रकबे में हजरत मोती हीरा कुछ ऐसा पैदा कर दिया जाए कि मेरा दर्जा ऊंचा हो जाए, मैं कीमती हो जाऊँ, मेरा इलाका कीमती हो जाए। इसके आगे मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज इसलिए हूँ, वहाँ इलाके के लोग ये बताते हैं कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह पे करम फरमाया और घोड़े पे बैठकर कहा मेरे घोड़े की नकेल छोड़ो, इसे दबाओ, जहाँ जहाँ जितनी जमीन में घूम आएगा कयामत तक इसके फूल की बरकत से हीरा पैदा हो जाएगा। ये रिवायत है, और दूसरी रिवायत ये भी है कि दादा मियाँ तो नहीं गए वहाँ, लेकिन दादा मियाँ ने यहाँ से दुआ फरमाई थी, क्या तेरा इलाका कयामत तक माला माल रहेगा। सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह पुत्तन मियाँ ने मुझसे बयान किया कि मौलाना साहब हम लोग भी नहीं जानते थे दादा मियाँ, हम लोग भी नहीं जानते थे, अचानक आ गए, कई बार तो मैं डर गया कि यार हमारे ही बबूल के जंगल में ये जाके घुस के छिप के रह जाते, इनको किसी ने खाते नहीं देखा, पेशाब करते देखा नहीं, बैतुल खुला जाते देखा नहीं। तो पुत्र ये फरमाते थे कि मैं मेरा बचपना था कई बार बबूल डर गया कि आखिर ये है कौन सा, कहाँ से आए क्या। फिर उनका मामूल हो गया हमारे घर आते, क्योंकि उनका घर नवाब नवाबी छाट का मकान बना हुआ, बादशाहों के घर का बना हुआ, आने लगे तो हम लोग चाय पेश करते और हुजूर से जो कुछ कहते वो मिनटों में पा लेते। हुजूर के ज़माने से उनकी दुआ की बरकत से मेरे घर से कभी प्रधानी नहीं गई, और भी मुंशी पदे बड़ी बड़ी पदें उनकी दुआ से हमारे घर में रही, कई मुकदमे ऐसे थे जिसमें हमें हार जाने का खुद यकीन था कि हम हार जाएंगे और सैकड़ों बीघा जमीन निकल जाएगी, मगर कुर्बान जाओ इनके, इनसे कहा जो कम था वो भी दिला दिया, सब दिला दिया, सब अदा कर दिया, और हक तो ये कि वो दौलत इन बच्चों की, बाकी दौलत कौन लेता है, औलाद इनकी है, मगर अब क्या है, और यह इकराम को अल्लाह से मोहब्बत होती, उनको जल जवाहरात बीवी बच्चे जो फना और बका की मंजिल में हो, जो फना और बका की मंजिल में हो, बोलो उन्हें सूरत बीवी बच्चे याद आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारे मनाते हैं हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे पीर के तीन निकाह कराए, लेकिन खुद एक भी निकाह नहीं किया, हमारे मियाँ के तीन निकाह, मियाँ भी हमारे इनकार कराए, पहली बीवी जहानाबाद की निवासी सलेरा लालपुर की रहने वाली वो संगीतानी है जिनसे इरफान मियाँ कराया, बस उनका ही जवाब है। तो हमारी मियाँ का क्या मुझे शादी करना ही नहीं, मेरा पीर मेरे लिए काफी है, उनका झोला लेना है हाथ में और पीछे पीछे चलना है, मुझे जरूरत नहीं। तो इरफान मियाँ रोते रोते किया क्या जाए, घर कसी लगाए, बोल भी ऐसा ना नहीं हाथ में करो, अरे काम करो, नहीं नहीं ये बच्चे कौन पड़ेंगे, अर्ध करो अर्ध कीजिए। तो मियाँ फरमाते थे एक फूफीजाद बहन थी, उनसे हमारे सरकार ने हमारा अर्ज कर दिया, उनसे मन्ना मियाँ लगा, किसी ने दीदी ये पिरानी अम्मा शिवो, अच्छा सवा सवा साल के थे दोनों भाई, जब दोनों माओ बहन जगा
पहले एक बच्चे के पालने का मतलब था, अब दो बच्चे को पालने का मतलब है। तो ये किरानी अम्मा हाजिर गुजार, इनको सरकार ज्यादा मियां ने पसंद किया है। मियां तो हर की नमाज है, तो सरकार नहीं, हुजूर नहीं, ये तो बच्चे आप पालेंगे, अल्लाह पालेगा, मैं कौन? नहीं नहीं अर्ज कीजिए, नहीं नहीं अर्ज कीजिए। तो अब्दुल मजीद नाना, अब्दुल मजीद खान नाना, उनकी बहन यही नाना ना, उनसे पीरानी अम्मा हमारी जो है मियाँ का अर्ज हुआ। पीरानी अम्मा से कोई बच्चा नहीं हुआ, आमना खातून नाम था, कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने इरफान मियाँ की, मन्नान मियाँ की बड़ी अच्छी परवरिश की, और मियाँ का सारा बोझ सर पे उठा दिया। इरफान मियाँ की, मन्नान मियाँ की दोनों की तालीम तरबियत, वो खुद इतनी पढ़ी लिखी थी, उर्दू इतनी नफीस, हाय हाय हाय, कुरान ऐसा पढ़ती थी कि हाफिज़े कुरान पढ़ता। मैंने सुना था कि तुमने क्या रसूल तीसरा पारा है, मैं तीन पारे का हाफिज ना हो तो मेरा भी पारा थोड़ा करती थी, तो मैं तो डंडी उठा लिया अपनी जुबान पे, तो मैं चुप गया। फिर एक बार कहा नहीं, आज तुमको तकलीफ करना है। अब्दुल वहीद पारू किए बोले बस, और हम काबिला करो मुझे मोहल्ले में मिला थी, तो तीन तकलीरें हुई, तीनों आदमियों को 11-11 रुपया और 11-11 बताते हमारे पीरानी अम्मा ने तीनों को, और दो आता तो पीरानी अम्मा की बात मियाँ कहते हैं देखिए आज भी पीरानी अम्मा दे रही है। हाँ हाँ, आप तो कल गए चद्दर चढ़ा के चले आए, और हर जुमरात को यहीं पे वहाँ मोहल्ले के लोग जाते हैं बाल्टी में पानी भर भर के और खूब धोते हैं, और उसके बाद चद्दर फातिया वगैरह करते हैं। अरे दादी मियाँ हमको ये चाहिए, दादी मियाँ से अदा कर देते हैं, सही बात, दादी भी दादी भी। अरे हमारे कई बार औरतों में नाम पता लगा दूँ आपको, कई बार औरतों को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं होंगे, मगर पीरानी अम्मा की तस्बीह, मुसल्ला नमाज, हाय 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 हाय, कहा एक नहीं दो दो लड़के होंगे, कौन कैसा लड़के नहीं होंगे, अरे कहा डॉक्टर कुछ भी नहीं, जाओ दो दो लड़के होंगे। तो 9 बरस तक पीरानी अम्मा के मजार में गागर चढ़ाती रही, 9 साल तक। हमारे वालिद साहब फरमाते थे बेटा बड़ी तेज बारिश, जोहर की नमाज के टाइम जा रहा है, 3:30 बजे गर्मी का मौसम, 4 बजे तक टाइम रहता है, बारिश होने लगी। वालिद साहब ने बयान किया जमीन पानी लगाओ, मैं वजू करूंगी। मैं भीगते हुए गया, पानी लाया, पानी दिया, पानी बंद करो नमाज पढ़ रहा है, मैं अंदर नहीं पढ़ूंगी गर्मी बहुत है, आंगन में पढ़ूंगी, पानी बंद कीजिए, नहीं बंद हुआ। तो गुस्से में आ गए, पानी लोटा लेके ये फेंका जोर से, कहा नहीं पढ़ूंगी, पानी नहीं बंद कर तो कह की नमाज तुरंत पानी बंद हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर पीरानी अम्मा की जिद थी कि वजू किया वही आंगन में, और आंगन ही नमाज पढ़ता। ये शान है, ये किसे दे मेरा, तुम्हारी पीरानी अम्मा मेरा दाहिना हाथ है, तुम्हारी पीरानी अम्मा मेरा दाहिना हाथ है। कोई औरत शादी बोलवे किसी मामले में जीत न कर रहा, वरना नुकसान आ जाओगे। क्योंकि बेटा मैं देखता हूँ आधी रात के बाद पूरी रात कुरान पढ़ती, मना करता हूँ, दिमाग का खब्द है बंद कर दो, नहीं सारी रात कुरान पढ़ना, हाय 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 हाय। मैं क्या बताऊँ, ला मैं कह देता हूँ सच्ची बात, में डरना क्या। कुदरतुल्ला शाह मियाँ राजापुर की मुरी गया, कुदरतुल्ला शाह मियाँ राजापुर जिनसे किसकी नियमत मिली है,
वो पीरानी अम्मा के पीर हैं। तो उनका इंतकाल पर्दा हो गया तो पीरानी अम्मा फरमाती थी मेरे पीर के बर्दक नहीं होता, मेरे पीर के बर्दक नहीं होता, बुढ़ाऊ के कहो मेरे पीर के बर्दक नहीं। तो मेरे फरमाए कि देखो मेरे हद में हो, बीबी का मामला है, मैं तुम्हें बैठ नहीं कर सकता। खैर मैं मुझे मिलत को बोला था, सरकार मुझे मिलत को बोला है तो उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी जाहिदा आबिदा तुम्हें बैठ कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने फरमाया कि अरे मौलाना बैठ करो, सिर्फ तुम्हें दामन देना है, आगे मुझे सब समझना है, आप तो खाली बैठ करो। तो बैठ करिए 1977 में मेरा होगा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत जैसी अपनी शख्सियत अल्लाह का बोले, 4 बरस तक उस समय आए हैं और हर उस समय छड़ी देखते हुए कब्रिस्तान जाते थे। और कसम अल्लाह कान से सुना, हालांकि उन्होंने ये बात आजिज़ी के तौर पर कही, खाकसारी के तौर पर कही। ये कहा मैंने कि अल्लाह मौलाना की आबिदा जाहिदा ज़ौजे मुहतरमा की बरकत से मुझे हबीबुर रहमान को बख्श दे। मैंने कान से सुना, यहाँ भी कहता हूँ हाथ में कह दूँ आपने ऐसा कहा है। तो सोचो पीरानी अम्मा का मकाम क्या होगा, खाली दादा मियाँ को चाय पिलाया को चाय पिलाना, कभी 3 बार कभी 2 बार कभी 4 बार। तो कहाँ से कहा अल्लाह का वली किसी का हक किसी का सिरा रखता नहीं है, सब इसलिए मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत से उनकी मोहब्बत हासिल होगी और इनकी मोहब्बत ही असल है। अल्लाह तबारक व तआला मैंने बहुत सुलझे अंदाज में थोड़ी देर की गुफ्तगू की है, वाकयात तो जो शुमार आते जाएगी मैं कह देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और सरकार ज़्यादा की जब तक शीर नहीं आ रही कुछ और बयान कर सरकार दादा मियाँ रहमतुल्लाह ताला हाथ में लंबी लाठी रखते थे, हमेशा लंबी लाठी रखते थे। उस लाठी में क्या क्या जादू है तुम्हें बताओ, हाय हाय हाय। मोहल्ला छुटू खाने में अभी भाई जाना ना तो पूछना जरा वो कौन सी औरत है जो सरकार से कहा बाबा दुआ कह दे मैं हाथ कह आया हूँ। सरकार डाल बाबा दुआ कह दे ऊपर लाठी थी, 3-4 लाठी मारा ले हाजिर ले हाजिर ले पूछो पलाश। मगर कोई चीज टूटी नहीं, कोई फटा नहीं, बैठ गई उठी बैठ गई। लेकिन चूंकि 3 लाठियां मार दिया था तो ये मैं मेरे बाद तो मैं मिलती है। मैंने ने कहा बेटा जितनी लाठी मारा उतने ही हट किया उधर तुमका उदूर जब पैसा ही नहीं तो हट कैसे। अरे क्या उसके घर में गर्मीना नहीं कराया, उसके घर में गर्मीना नहीं कराया, बेट बेट के 3 हट किया उसने। लाठी मारा 1 लाठी में 1 हट, 2 लाठी में 2 हट, 3 लाठी में 3 हट। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम दरियाबाग मोहल्ला इलाहाबाद शहर, ये मेरे पीर के इब्तदाई से या तो साथी हैं, बड़े गहरे मरासिम
बड़े गहरे ताल्लुकात थे और बड़े दोस्त। हजरत अपने इलाके में उनकी प्रोग्राम कराते, अब वो अपने इलाके में सरकार को बुलाते। ये चलता था मामला, बड़ी गहरी दोस्ती। एक दिन हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अंदर थे, हजरत के घर लट्टू बाबा के जो बाबू के घर वो लंबा घर था, क्या था तो अंदर नहीं थे। उत्तरादमी आ गए सुबह के वक्त लाठी हाथ में, तो कोई अगर अजनबी आदमी मेहमान हो किसी के यहाँ और ऐसे नंग धुड़ंग किसी को देखेगा कि अंदर घुसा जा रहा है, तो वो तो आवाज़ देगा ही कि अरे फला साहब ये कौन आ रहा तुम्हारे घर में। तो मौलाना सलाम देवी को इलाहाबादी खड़े नहीं हुए अदब के लिए, उन्होंने पागल दीवाना समझा और मियाँ को आवाज़ दे दी, अरे मौलाना तुम्हारे घर में कोई पागल आ रहा है, बराइना जी हुआ है, उसको रोको हटाओ। और ये जुमला दादा मियाँ सुने और मौलाना साहब की मामला खराब हो गया। जब सरकार ने सुना भाग गया है, मौलाना ये मेरे पीर है, मेरे बड़े अब्बा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे पीर ने पागल कैसे कह दिया। पीछे पीछे दादा में आ गए, पढ़िए सुबह बात दिया पढ़िए, हम पागल तुम्हारे, हम पागल तुम्हारे, पढ़िए पढ़िए और आज पढ़िए। तो उनके स्कूल को सूर्य फातिया याद नहीं, सब छीन लिया, सारा ही उछल कर लिया। जो मियाँ फरमाते थे मैं कदमों में गिर गया, बचपने का दोस्त है, एक शानदार आलिम है, ऐसा सर्व किया आपने कि सूर्य फातिया याद नहीं, अच्छा कलमा पढ़िए कलमा पढ़िए, कलमा भी याद नहीं, सब छीन लिया। तो हमारे सरकार फरमाते थे कि मैं कदमों में गिर गया, हुजूर मेरे दोस्त रहे, रहम कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। तो वो खड़े होकर जाइए, सीने में हाथ मारा, जाइए अता किया आपको। तो मियाँ फरमाते थे उसके बाद से उनकी तकरीर बेटा इतनी शानदार होती लगता कोई मुहाफिज बोल रहा है। ऐसा उनकी बरकत से हमारा हर नजर दुनिया और आखिरत सब अच्छी कर दे, हमें तुम सबको आलिम कामिल बना दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा तौबा इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।